ये जो लास्ट से कुछ महीना गया है आपके लिए बड़ा अच्छा गया है, डिजीज अच्छा हो रहा है, मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट दैट वर्ल्ड टी ट्वेंटी कोई नहीं, अब आप 50 ओवर्स में भी खेल रहे हो, मतलब आगे कैसे देखते हो? नेक्स्ट 6 मंथ वर्ल्ड टी ट्वेंटी प्रिपरेशन भी रहेंगे, टीम में जगह भी बनानी है, आईपीएल सब मिला के कैसे देखते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और एज अ स्पोर्ट्समैन सब हर प्लेयर का सपना होता है कि वो इंडियन टीम में खेले और हर फॉर्मेट में खेले। तो पहले मैं सी टी20 खेल रहा था, तो अभी वन डेज में मौका मिला है तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए जर्नी, और आगे चाहूँगा कि आगे भी अच्छा ही करता रहूँ, क्योंकि 6 महीने बहुत क्रिकेट है, अभी काफ़ी वन डेज हैं, टी20s हैं, आईपीएल भी है, तो मेन फोकस फिटनेस पे है कि फिट रहूँ, सारे मैचेस खेल पाऊँ और हर सिलेक्शन के लेवल रहूँ, क्योंकि जो पास्ट में बहुत इंजरीज हुई है वो शायद दोबारा ना हो, इसलिए मेन फोकस ही फिटनेस पे है। You had a look at the pitch because Shago was saying that it's more bowlers might struggle here. You had a look at the pitch. I think with the white ball, bowlers always struggle. And we've been seeing this in that T20 series and even the last match, you know, they chased down 288. So obviously, you know, as a bowler, you know, it's going to be difficult in the every match. So I think I haven't seen the pitch yet, but if it swings a bit, I might do something. Deepak, marking game kal, uske liye kuch thinking hai ki टीम कॉम्बिनेशन में और बॉलिंग कॉम्बिनेशन में, बॉलिंग वॉज नॉट आफ्टर द मार्क इन चेन्नई, एंड आपको मालूम है कि देर ए चांस और दोनों स्पिनर्स द मैंने मोस्ट प्रोवन सक्सेसफुल स्पिनर्स हरीश स्पिनर्स कुलदीप एंड चाहल को लेके आने के लिए ऐसा कुछ चांस है क्या, आप बोल सकते हैं? मेरा डिसीजन ये ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, बट आई थिंक कि हम लोगों को शायद वो डिफेंड करना चाहिए था 288, क्योंकि विकेट में था थोड़ा हेल्प थी, आई थिंक वी डेंट बोल गुड इन द लास्ट मैच टू बी ऑनेस्ट, तो होपफुली अगर इस मैच में वही सिनेरियो होता है तो एज अ बॉलिंग यूनिट विल ट्राई टू यू नो डू बेटर एंड ट्राई टू बोल इन द गुड एरियाज, और शायद आई थिंक वी हैव बीन लैकिंग विद द फील्डिंग, यू नो लास्ट 4 मैचेस यू नो वी हैव ड्रॉप टू मैनी कैचेस, तो अगर हम कैचेस नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत हिटर्स हैं, वो लोग चौके में विश्वास रखते हैं, छक्के में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो ऑब्वियसली हवा में बॉल मारने वाले हैं, तो अगर वो जो मिस टाइम कर रहे हैं उसको नहीं हम पकड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, तो हमको एज अ फील्डिंग यूनिट काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा और एज अ बॉलिंग यूनिट भी। दीपक, आप जब T20 में बॉलिंग करते हो, T20 में आपका स्ट्रेंथ है पावर प्ले में, जैसे रिकॉर्ड्स प्रूव करता है, वनडे में पावर प्ले डिफरेंट होता है, तो दोनों फॉर्मेट्स के टेकिंग इनटू अकाउंट द टू डिफरेंट फॉर्मेट्स, आपका वो माइंडसेट और थॉट प्रोसेस कैसा डिफर करता है? मेरे हिसाब से वनडे क्रिकेट इज सबसे डिफिकल्ट है, क्योंकि T20 में आपको मालूम है कि सिर्फ आपको बचना है, कि आपको मारने खानी, अगर आप 4 ओवर डाल रहे हो, 24 रन दे रहे हो, कोई विकेट नहीं ले रहे हो, दैट इज़ गुड बॉलिंग, बट एज टेस्ट मैच में आपको सिर्फ अटैकिंग बॉलिंग करनी है, कि आप रन दे रहे हो पर विकेट ले रहे हो, आप टीम के लिए अच्छा है, बट वनडेज के अंदर आपको दोनों मिक्स करना होता है, कि आपको विकेट भी लेना है, कम भी रन देने हैं, और आपको सिचुएशन रीड करना चाहिए कि इस टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, मतलब कि आपको रन रोकना है, इस बैट्समैन को आउट करने के जाना है, तो आई थिंक वनडे इज मोर डिफिकल्ट देन बोथ द फॉर्मेट्स, तो उसमें ही आई बिन नो आई प्लेड लॉट ऑफ वन डे क्रिकेट विद इंडिया ए साइड, तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिला है, तो अभी थोड़ा आइडिया है, मैं हमेशा बीच के ओवर्स में स्ट्रगल करता था पहले, कि मुझे बीच के ओवर्स में कैसा बॉल डालना है, क्योंकि पावर प्ले में यू नो कि 2-3 ओवर स्विंग होगा उसके बाद में आपको रन कंटेन करना है, डेथ में यू नो कि आपको मारने जाएंगे बचना है, तो जो बीच के ओवर्स होते हैं उसमें कैसे बॉलिंग करना है वो आई हैव गॉटन बेटर इन दैट, तो अभी सीख रहा हूँ, ऑब्वियसली अभी 2 ही मैच हुए इंटरनेशनल में, काफी मैचेस हैं आगे खेलने को, तो और सीखता रहूंगा। तो दीपक, आपने अभी तो बोला कि बीच के ओवर में, तो सेकंड पावर प्ले की आप बात कर रहे हो, कि जहां पे आपने इंप्रूवमेंट, मतलब क्या-क्या मतलब चेंजेस, बदलाव आप बॉलिंग में लाए हो, और एक चीज जानना चाहूंगा कि जब आप डेब्यू किए थे, मतलब आप हमेशा से स्विंग बॉलर रहे हो, लेकिन अभी आपका पेस भी बढ़ा है, तो कभी अपने आप के अंदर वो जद्दोजहद चलता है कि नहीं ज्यादा पेस बढ़ाऊंगा तो स्विंग पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो ये दोनों चीजों को कैसे आपने बैलेंस किया? जी बिल्कुल, जब मैं पहले साल रणजी ट्रॉफी खेला था,
मैं बहुत 125 के आसपास फेंकता था, तो जो मेरा स्ट्रगल रहा बीच में 4-5 साल जो इंजरीज रहे वो मेरा स्पीड बढ़ाने की वजह से रहे, क्योंकि मुझे पता था कि उस पेस पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको 140 के आसपास फेंकने पड़ेगा। तो मेरा हमेशा बचपन से मेरा ये सपना था कि भाई, या मैंने कोशिश करी कि मैं 140 फेंकूँ और उसके आसपास स्विंग करो अराउंड 135-137, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेडली बॉल होती है, कहूँगा कि 150 भी आप कभी कर आप फ्लैट विकेट खेल सकते हो, बट अगर 140 पे स्विंग हो रही है तो विच इज़ मोर डिफिकल्ट। तो हमेशा से वही रहा है मेरा। तो बीच में 4-5 साल थे उसके अंदर मैं जो इंजरीज भी हुई मेरे, और थोड़ा मैं टीम से भी बाहर अपनी डोमेस्टिक साइड में, तो उसका रीज़न वही था कि मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए मेरी डाइट में, मेरे एक्शन में चेंजेस किए वो स्पीड बढ़ाने के लिए। तो अभी वही है कि 140 के आसपास भी रखना है और स्विंग भी कराने, अब तो डेथ में बॉलिंग करनी है तो वेरिएशन भी चाहिए, तो अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि सब कुछ एक साथ सही जाए। और वो जो बीच के ओवर्स के लिए, हाँ बीच के ओवर्स के लिए बेसिकली आपको 4 ही फील्डर बाहर मिलते हैं, तो मैं हमेशा 2 फील्डर बाहर से बॉलिंग की है मैंने, तो पहले तो उसका फ़ायदा मिलता है कि अब तो 4 फील्डर मिलते हैं मेरे को। तो आई थिंक बीच में मेन है कि आप कितना वेरिएशन करते हो, क्योंकि जितना प्रेडिक्टेबल हो जाएगा उतनी ईजी है आपको मारना, तो आई थिंक वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने अकॉर्डिंग अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, क्योंकि आपको 4 ही फील्डर बाहर मिले हैं, अगर आप उनको सही से यूज़ करोगे तो ही आप बच पाओगे। जैसे इन लोगों की बैटिंग लाइनअप है जितना वो स्ट्रांग है वो लोग, अगर आप उनको जहाँ फील्डर वैसे ही वो छक्के मारते, तो आप एज अ बॉलर ये कोशिश कर सकते हो कि आप जहाँ आपके फील्डर है वो उनके ऊपर से मारें, ताकि एक आध मिस टाइम तो पकड़े वो लोग। Depends on the wicket. I think, you know, if there is something in the wicket, then obviously you would like to bowl first. And you know, I am someone who always like to bowl first. You know, so I don't know. Depends on the team, you know, and what they're thinking. Like that, like we are always good in chasing. So even I am comfortable bowling first. Because those of us who have followed your career right from the start when you came to domestic cricket, हमने देखा कि पहले आप रेड बॉल में आपका एक नेचुरल स्विंग था, वो आपको अच्छा मतलब दैट मेड यू अ वेरी गुड रेड बॉलर। उसके बाद आपने चेन्नई सुपर किंग्स में खेले, वो जो 2020 क्रिकेट का जो डिमांड्स है उसको आपने, अभी वनडे में हम देख रहे हैं आपने नया डिलीवरीज डेवलप किया है, आपने बहुत अच्छा नकल बॉल भी डेवलप किया है। But do you think at the end of the day you also need one good Yorker and also a slower bouncer? Yeah, obviously. पहले मैं जब वनडे जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको रणजी ट्रॉफी में आउट करना है तो स्विंग ही चाहिए आपको, आपका लेंथ अच्छा, लाइन लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको स्विंग होनी चाहिए, तो वो उस चीज़ पर फोकस किया। बट मैं बीच में स्ट्रगल कर रहा था रणजी ट्रॉफी साइड के लोग, जैसे मैंने एक्शन वगैरह चेंज किया, वहाँ से इंडियन टीम का रास्ता बहुत मुश्किल है। रणजी ट्रॉफी से आप रणजी ट्रॉफी के आप थ्रू आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा फिट हो और पूरा सीजन खेल रहे हो दिलीप ट्रॉफी, वो रास्ता थोड़ा लंबा है। तो शायद IPL में आप अच्छा करके जल्दी खेल सकते हो, तो मेरा फिर जो बीच करियर में फोकस थोड़ा वाइट बॉल की तरफ गया कि वाइट बॉल से आप कैसे बेटर हो सकते हो, उसके लिए पेस चाहिए और वाइट बॉल को स्विंग कराना ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि रेड बॉल तो शाइन से भी स्विंग होती है कि आप शाइन चेंज करोगे तो स्विंग होगी। ज़्यादातर आप देखें रणजी ट्रॉफी में काफ़ी बॉलर्स हैं जो दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, बट वाइट बॉल से स्विंग कराना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो शाइन से स्विंग नहीं, आपको वो एक्शन से स्विंग करनी पड़ती है। तो उस चीज़ पर वर्क किया कि वाइट बॉल स्विंग हो, कोई पेस बढ़ाया और अभी मेरा स्लोअर बाउंसर ठीक है, क्योंकि अभी मैं काफ़ी डालता हूँ स्लोअर बाउंसर। हाँ, यॉर्कर में मैं काफ़ी वर्क किया हूँ पिछले 1.5-2 साल में, जिसकी वजह से ही मेरी बॉलिंग इंप्रूव हुई है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर कि अगर मेरी बॉल पर कोई 1-2 छक्के मारता था मैं यॉर्कर फेंक सकता हूँ। जैसे कि वो लास्ट ईयर हम लोग चेन्नई में मैचेस खेल, IPL की बात कर रहा हूँ कि हम लोग लास्ट ईयर चेन्नई में मैचेस खेलने वाले थे, तो उससे पहले मैंने बहुत प्रिपेयर किया, क्योंकि चेन्नई विकेट पे आपको पता है कि स्विंग इतनी होगी नहीं, तो आपको स्लोस चाहिए अच्छे वहाँ पे और यॉर्कर चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में 3 ओवर फेंकता हूँ हमारी टीम के लिए, तो उसके अंदर अगर यॉर्कर नहीं है आपके पास तो बहुत डिफिकल्ट होगा बॉल डालना। तो यॉर्कर बेटर हुआ है काफ़ी, आए कि और बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट में आप ये नहीं कर सकते मैं हो गया अच्छा, तो हर चीज़ इंप्रूव करने के लिए है कुछ ना कुछ, तो यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर है, तो ऑब्वियसली मैं उस पर वर्क करता हूँ जब भी टाइम मिलता है। I know it depends on the wicket. I think the ground doesn't matter. I think we bowled pretty badly in the last match. What I would say, I think we should have defended on that wicket and ground. 288 was a par score.
So I think we won't be doing all those mistakes again and again. So I think if we get 280 to 90 again, so we should be able to defend it. You can't say like we need 350 runs to defend it. Not like that. I think as a bowling unit, we also need to win matches for the team. So I think 280 to 90 would be a good score if we bowl well. Okay.